गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। इट्स मी प्रकाश 59। दोस्तों, आप सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत है। अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, हम नहा धो के बिल्कुल फ्रेश रेडी हो चुके हैं। अभी धनुष बेबी रो रहा है, तो चलो आपको दिखाता हूँ ये धनुष बेबी क्या कर रहा है। ये धनुष बेबी ये डरता है, बहुत रोता है, और डॉक्टरों ने इसको ना कल इंजेक्शन लगाया तो ये वजह से बहुत ज्यादा डरता है। अगर उसके हाथ भी ऐसे पकड़ लें तो उसको लगता है कि मुझे दवाई पिला रहे हैं, ऐसे डरने लगता है। तो दोस्तों, अभी तो ट्रीटमेंट चालू है धनुष बेबी का, तो अभी फटाफट उसको तैयार करते हैं, फिर शनि मंडल निकलना है। तो आप इस ब्लॉग का बिल्कुल मजा लेते रहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस ब्लॉग में आपका एंटरटेन करते हैं, आपको जो भी है हमारी लाइफस्टाइल दिखा। पाउडर व्यूडर लगा के फ्रेश करके धनुष बेबी को अभी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते है। लगा रोने का स्टाइल अलग है धनुष बेबी का। दोस्तों, जो कल लड़का मिला था ड्राइवर, वो तो अभी काम में चला गया, क्योंकि शायद उनके यहाँ पे एक लड़के की डेथ हो गई है, ये वजह से सभी लोग दूसरे गांव चले गए। तो अभी जाके दिनेश भाई को ही जगाना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइविंग तो मुझे अच्छे से आता नहीं, इसीलिए अब दिनेश भाई को ही जाके लेकर आते हैं। दिनेश भाई तो अभी तक सोए होंगे, बट जाके उनको जगाते हैं, फिर उनको ही लेके चलते हैं शनि मंडल के लिए बाइक ड्राइविंग करने के लिए। तो चलो निकलते हैं दिनेश भाई के घर पे। और ये आप देख रहे हैं बैलगाड़ी वगैरह सब बिल्कुल रेडी हो गए, पप्पा भैया वो सब जो बाजरा की बुआई है वो करने के लिए खेत में जा रहे हैं। तो मैं अभी धनुष बेबी को हॉस्पिटल लेके निकलता हूँ और दिनेश भाई को बुलाने के लिए चलता हूँ। तो चलो निकलते हैं, देखते हैं दिनेश भाई सोए हैं या जाग गए हैं। आज संडे है तो देखते हैं दिनेश भाई संडे का आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है ना दिनेश भाई की, जॉब पे जाते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं संडे की छुट्टी मना रहे दिनेश भाई। अभी देखो उनको मैं टॉर्चर करता हूँ। दिनेश, दिनेश ये संडे मना रहे हैं। तो चलो अभी इनको फटाफट जगा लेते हैं, क्योंकि आज तो ड्राइवर नहीं मिला तो दिनेश भाई को ही ड्राइवर बनाना पड़ेगा ना आज, और आज संडे है तो आज की ब्लॉग फटाफट जल्दी से अपलोड होनी चाहिए, इसीलिए दिनेश भाई का ब्लॉग शूट नहीं हुआ है तो शूट करके फिर अपलोड करेंगे। दिनेश भाई आ गए हैं, ये देखिए अपने सीनियर ड्राइवर, क्या बोलते हैं दिनेश भाई, क्या बोलूँ, बस यही एक ही जवाब रहता है क्या बोलूँ। तो दोस्तों, आपको बस ये बताना था कि मुझे ड्राइविंग सही से नहीं आता है, इसीलिए बार बार दिनेश भाई को ही तकलीफ देना पड़ता है, क्योंकि हमारा यही चलता रहता है। बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि हम अभी सोच रहे थे कि वीडियो शूट करने के लिए जाएंगे, बट धनुष बेबी को लेके जैसे ही घर पे पहुंचे और हमने सोचा कि चलो अभी जाते हैं, लगे हाथ वीडियोज भी कुछ डांस वीडियो शूट कर लेते हैं, उतने में बारिश तेज़ी से शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है, वीडियो नहीं निकली कोई दिक्कत नहीं, पर बारिश बहुत इम्पोर्टेंट है, बारिश का आना। दोस्तों, अभी हम जैसे वीडियो शूट करने के लिए निकल रहे थे, आप देख सकते हैं कितना बड़ा सांप है, सांप को मार दिया अभी। दोस्तों, वीडियो वगैरह शूट करके जैसे घर पे आए तो बारिश हो रहा था, अभी मैं दिनेश भाई के यहाँ पे आया, क्योंकि घर पे ना दोस्तों टेंशन वजह, क्या बोलते हैं, टेंशन के वजह से, मतलब वो अपना बेबी बीमार है तो वहाँ पे बैठने को भी दिल नहीं करता, इसलिए अभी दिनेश भाई के घर पे आ गए, ये देख सकते हैं।
सब लोग बैठे हैं इधर, तो मैं भी सोचा कि जाके दिनेश भाई के यहाँ पे बैठूं, कुछ काम करेगा बैठ के साथ में। तो दोस्तों आज की ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबी ब्लॉग होने से आप भी इरिटेट होते हैं। तो चलो दोस्तों ऐसे ही कुछ खास लाइफस्टाइल ब्लॉग में आपसे आगे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।